वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा। आज आम मैंने पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ़ द अर्थ। कौन सरफेस जहाँ भी जिनस रही सरफेस मैंने कौन सतार जो भूपृष्ठ उपर जहाँ भी जिनस रही है से विषय सब नलेज समस्त नलेज अच्छी भूपृष्ठ पर बिल्डिंग रही कौन आम मैंने समस्ते रोचे नदी रही ओसेन रही माउंटेन रही सब जिनस रही बट व्हाट अबाउट पृथ्वी तले कौन अच्छी व्हाट अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ये अर्थर सत्ता तले भूपृष्ठ तले कौन रही जानापी आम समस्त मन में के उत्कंठा आसी पिलादे भी शुणी जब गात खोल पशिजी आमेरिका पहुंची जा बट से नुहे आम आमेरिका पहुंची पार ना ओके आम पढ़ा जे पृथ्वी एक्चुअली अंदर भितर कौन रही इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी कौन से विषय आम आज पढ़ा पृथ्वी हूँ गोल आम समस्त जानते पृथ्वी गोल पृथ्वी आम सब रही जो सरफेस अच्छे पृथ्वी या सब विभिन्न प्रकार कंटिनेंट ओसेन सब रही आम से सरफेस रोचे पृथ्वी मझीर ये जो केन्द्रबिंदु ये कौन केन्द्र सब सर्कुलर जिन गोटे केन्द्र अच्छी पृथ्वी गोटे केन्द्र अच्छी ओके पृथ्वीर आम जो इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी भितर जहाँ भी अच्छी इंटेरियर रे जहाँ भी अच्छी से सब विभिन्न प्रकार लेयर रही आम किपर भाव स्टडी करे फास्ट है डेनसीटी पृथ्वी हूँ सब डेनसेस्ट प्लानेट अफ द टोटल सोलार सिस्टम सोलार सिस्टम आम आठटा ग्रह अच्छी आठटा प्लानेट अच्छी तेज़ पृथ्वी घनत्व सब अधिक पृथ्वी हूँ सब डेनसेस्ट हाईएस्ट डेंसिटी डेंसिटी प्लैनेट अर्थ अर्थ डेंसिटी सब हाईएस्ट टोटल सोलार सिस्टम रे ओके फर्स्ट टाइम कौन देखले डेंसिटी डेंसिटी को लेकिन आम स्टडी करे पृथ्वी अंदर रे एक्चुअली कौन अच्छी डेंसिटी केमि भाव स्टडी कले फर्स्ट देखा डेंसिटी डेंसिटी है कौन डेंसिटी जो पृथ्वी सतह डेंसिटी सरफेस डेंसिटी है 2.8 ग्राम सेंटीमीटर ओके 2.8 ग्राम प्रत्येक 1 सेंटीमीटर रे 2.8 ग्राम डेंसिटी किंतु पृथ्वी रो एवरेज यदि हमें डेंसिटी देखिबा एवरेज डेंसिटी कारो अर्थ रो पृथ्वी एवरेज डेंसिटी माने कौन जब सतार डेंसिटी 2.8 टोटल पृथ्वी अंदर सब मिसिक एवरेज डेंसिटी जब 5.5 आसने डेंसिटी कौन अधिक बढ़ी इंटरनल स्ट्रक्चर को जो आम पृथ्वी भितर को जाऊे से कौन डेंसिटी इनक्रीज है तलू तलू आम जिते जाता डेंसिटी से इनक्रीज हम तो जिते आम पृथ्वी तल नीचे 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 जीवन चेस्टा कर पृथ्वी डेंसिटी से बढ़ी 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 चलो तापर आसला टेम्परेचर टेम्परेचर कौन पृथ्वी सरफेस टेम्परेचर एवरेज के 30-40 समय 40-45 पलाउ विंटर 20 डिग्री तेणु सप्ताह एवरेज टेम्परेचर जी भितरक आम जो सप्ताह भितरक जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए डिटेल्स पढ़ला बेलू टेम्परेचर डिटेल्स कह बहुत ज्यादा हाई हो यार केन्द्र में पहुंची जाते हैं के 4500 डिग्री
सेल्सियस। केन्द्रर तापमात्रा केते कोर बा केन्द्रर तापमात्रा होजे पृथ्वीर 4500 डिग्री सेल्सियस 4500 डिग्री सेल्सियस या भितर के बंची पारिबो ही नाही अतणो में गत पड़ी के अमेरिका पहुंचिबा असंभव। ओके तबरे कोन पृथ्वीर तळु तळु को हम जते जिबा सते डेंसिटी भी बढ़िबो ता सते टेंपरेचर मध्य बढ़िबो। ओके प्रेसर मध्य कौन थे जो पृथ्वी तलु 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 जा प्रेसर आम जो सब रोचे आम आटमोस्फिर भी घेरिक रही पृथ्वी को आम मैंने समस्त रोचे आम पृथ्वी पर चाप पकाउ थे ना नहीं पकाचे। ओके जो लो प्रेसर हाई प्रेसर बहुत सारा जिनस अच्छी देखा प्रेसर आम पृथ्वी पर पकई लगीचे दिन राति से जो प्रेसर पकाचे पृथ्वीर डेनसीटी कौन बढ़व ना कम बढ़ तेणु पृथ्वीर जिते आम तलू तलू जाते से प्रेसर मध्य बढ़ी बढ़ी चलो आम बहुत सारा प्रेसर पृथ्वी उपर पक चलीजे उपरू प्रेसर पड़ू से तलू जी मानते प्रेसर मध्य आम उपर बढ़ी। ओके देखा कौन कौन लेयर सब अच्छे पृथ्वी पृथ्वीर केन्द्र ए फास्ट अपर मोस्ट लेयर ना है क्रस्ट आम भूपृष्ठ क्रस्ट बोली कहे क्रस्ट। ओके सेकंड मोस्ट लेयर पार्ट है मेंटल इनर मोस्ट पार्ट है कोर आम बेसिकली फास्ट तीन भाग में विभक्त करे क्रस्ट मेंटल आ कोर यार मध्य सब सब डिविजन अच्छी ताको हमें बे पढ़िबा जदि हमें पृथ्वीर गोटे खंड काटिकी नहीं जीवा एमती काटिकी नहीं कि सहज भाव में पढ़ी पारिबा। ओके आम ये खंडटा काटिकी एपट को नहीं आसिया क्रस्ट मेंटल आमे यार गोटे खंड काटिकी आनी सरफेस ओके दिस इज सरफेस तापरे एटा एतिको हमरो कोर एतिको हला मेन सॉरी डिविजन गलत हो गला एतिको हला हमरो क्रस्ट मेंटल देन कोर एति के हमें काटिक आनी चाहिए पृथ्वी भितर ये तक पार्ट को काटिक आने डिटेल पढ़ुचे। ओके फास्ट आसला क्रस्ट फास्ट कौन आसला क्रस्ट क्रस्ट डिटेल्स एवं ओके क्रस्ट उपर ध्यान दबो क्रस्ट कौन ये उपर पार्टा है क्रस्ट क्रस्ट को मध्य दीटा पार्ट रे डिवाइड करा है। ओके ये है अपर क्रस्ट ये है लोअर क्रस्ट ए अपर क्रस्ट क्रस्ट और लोअर क्रस्ट भितर जो डिस्कंटिन्यूटी रहिला ता जे जे अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को अलगा करूची ताको हमें कोन कहूचे कन्वर्ट डिस्कंटिन्यूटी से डिस्कंटिन्यूटी रो ना कोन सब डिस्कंटिन्यूटी रो ना मन रखियो पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डिस्कंटिन्यूटी सब थरे ही पडूची बहुत क्वेश्चन पडूची कन्वर्ट डिस्कंटिन्यूटी कॉनरा डिस्कंटिन्यूटी है अपर क्रस्ट आ लोअर क्रस्ट भितर डिफरेन्सेस अपर क्रस्ट आ लोअर क्रस्ट भितर डिफरेन्सेस कौन आउ कौन रही अपर क्रस्ट सरफेस रापम्रा के सरफेस
टेम्परेचर केते एवरेज 20 30 40 हेड होदिबो आमे एते फील करने ओके सबुठारो हाईएस्ट जदि आमे देखिबा सरफेस रो तापमात्रा 57 डिग्री सेल्सियस जोटा कि इक्वेटर रे ही केबे केमिते देखा जाय हाईएस्ट रेकॉर्ड करा हिची 57 डिग्री सेल्सियस ता उपर को सरफेस रो तापमात्रा जाय ही नाही जेबे ओके किंतु अपर क्रस्ट को जतला आमे आसीबा सतेबेले कोन होबो टेम्परेचर केते डिग्री पर्यंत बढ़ी जिवो अपर क्रस्ट लेवल पर्यंत 22 तापमात्रा बढ़ जिवो 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एतिक पर्यंत कोन बढ़ी जिवो तापरे देन जते बेला आमे ता तळ को जिबा लोअर क्रस्ट को जिबा अपर क्रस्ट टू लोअर क्रस्ट तते बेले तापमात्रा पूरा सडनली इंक्रीज हबो एते मात्रा रे तापमात्रा बढी जाए केते एते मात्रा रे बढी जाए जे सते बेले आमे मेंटल लेयर पाखु को आसे सते बेले तापमात्रा एठी लोअर क्रस्ट रो केते जाए 800 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री सेल्सियस पढिबा आमे या विषय रे अधिक अधिक एबे कोन क्रस्ट रा क्रस्ट हला दो प्रकार रो उसेनी क्रस्ट देनला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितने किलोमीटर पर जाना क्रस्ट थाए उससे ने बहुत ठीक परिमाण रा थाए क्रस्ट रा परिमाण अब ये जो क्रस्ट कितने किलोमीटर पर जाना कॉन्टिनेंट रे जाए थाए 35 किलोमीटर पर जाना 30-35 किलोमीटर पर जाना कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30-35 किलोमीटर पर जाना ये सप्ताह रू सरफेस रू 35 किलोमीटर पर जाना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओसेनिक क्रस्ट हला 5 किलोमीटर बहुत ही छोटो पार्ट जहाँ कि ओसेनिक क्रस्ट जमारु 5 किलोमीटर गभीर माउंटेन एरिया रे कौन हुए क्रस्ट रा परिमाण क्रस्ट रा लेवल बहुत गभीर को चली जाए मैक्सिमम एवरेज कते रहे माउंटेन रे सेवेंटी किलोमीटर आम देश जो बड़ पर्वत श्रृंखला बा पर्वत श्रेणी अच्छी तार नाम है हिमालय हिमालयन रीजन रे क्रस्ट लेवल सेवेंटी किलोमीटर टू हंड्रेड किलोमीटर ओके 100 किलोमीटर पर्यंत मैक्सिमम जाय परिवो ओके क्रस्ट लेवल किंतु एवरेज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट रे हला 35 बा 30 को बारे 30 देथा को बारे 35 देथा ओसेनी क्रस्ट हला 5 किलोमीटर ओके एबे कोन देखिले एटा एवरेज केते एटा मैक्सिमम केते पर्यंत जाय परिवो 100 किलोमीटर पर्यंत जाय परिवो कि नहीं कारण अधिकतर माउंटेन एरिया रे जाय जाय 100 किलोमीटर पर्यंत जीवो मैक्सिमम ए जते 100 किलोमीटर पाखु को आसु छी सते बेले टेंपरेचर केते हो 800 डिग्री सेल्सियस हे जाउ छी हां कि नहीं केते पढ़ी हो छी पूरा 1000 पाखा पाखी बढ़ जाउ छी कि परि भाव रे देखो आउ क्रस्ट रो इंपोर्टेंस आउ कोन रहला ए जो क्रस्ट रो अपर क्रस्ट लेवल अपर क्रस्ट कहाँ कहाँ को लेके तैयारी है जे सिलिकेट प्लस एल्युमिनियम तेणु या सर्ट रे आम कौन कह था सीएल एक परीक्षा पूरा पूरी आसूची सीएल को पार्ट रे देखा जाए को पार्ट रे अच्छी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट सेमती कौन सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम
सिलिकेट आउ मैग्नीशियम या को शॉर्ट रे कह जाए सिग्मा सिग्मा सियल आउ सीमा ओके आगुरु जते बेले क्रस्ट मेंटल आ कोर रो डिवीजन हे नथिला सेते बेले आमे एते स्टडी करि भी नथिले बहुत आगु को जाई के सेते बेले आरो नामकरण सियल सीमा आउ निफे रे हेतला निफे कोन आगु को पढियो सियल आउ सीमा अपर क्रस्ट को सियल बोली कह जाए लोअर क्रस्ट को सीमा बोली कह जाए माने सीएल सिलिकेट रो शॉर्ट आसीला शॉर्ट फॉर्म ता सीएल सी एल्युमिनियम रो एएल ओके तापरे सिलिकेट रो एस आई मैग्नीशियम रो एए ओके सेतिक हला हमरा क्रस्ट क्रस्ट रे आ कोन हुए इंक्रीज हुए टेंपरेचर आमे जते तळु 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 जाए इंक्रीज हुए सडनली जते बेला आमे अपर क्रस्ट पार हो जाएगी लोअर क्रस्ट रे पहुंचे लगे तते बेला कोन टेंपरेचर सडनली बहुत अधिक परिमाण रे बढ़ी जाए ओके आ वाटर लेवल मध्ये आमे कोठ रे अछि क्रस्ट रे अछि अर्थ क्रस्ट रे वाटर लेवल आमे केते फुट 30 फुट 40 फुट ए पर को स्थान रे कि पर भाबरे खोलिले हमको वाटर मिल जाय माटी तळे ओके सेटा एबे जानिले जे वाटर लेवल मध्ये अर्थ क्रस्ट रे अछि ता पर आसिला मेटल मेंटल ले कौन हुए मेंटल होचे सब ठरु इम्पोर्टेंट मेंटल को मध्ये हमें टू टाइप रे डिवाइड डिवाइड करिचे ओके ए 100 किलोमीटर रु मेंटल को हमें कौन कौन अपर मेंटल लोअर मेंटल अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल भीतर है सॉरी मुकोड़ पान छाड़ दीजिए एड़ जो क्रस्ट आउ मेंटल भीतर जो डिस्कंटिन्यूटी रही है क्रस्ट को आउ मेंटल को अलग अलग कर डिस्कंटिन्यूटी ना है मोहर भीरे डिस्कंटिन्यूटी मोहर भीरे यार ना है मोहर भीरे डिस्कंटिन्यूटी तापरे अपर मेंटल आउ लोअर मेंटल को जी अलग कर तार नाम है रैपिड डिस्कंटिन्यूटी रैपिड डिस्कंटिन्यूटी ओके जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जी अलग कर तार नाम है रैपिड डिस्कंटिन्यूटी अपर मेंटल रो पूरा अपर स्टेज रे बिल्कुल क्रस्ट को लगे कि ये गोटे लेयर अच्छे देखो हमें बहुत इंपोर्टेंट लेयर आपको हमें कौन कहे एस्थेनो स्पीयर एस्थेनोस्फीयर होची बहुत ही इंपोर्टेंट एस्थेनोस्फीयर ऊपर हमर जो टेक्टोनिक प्लेट्स सब रही कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट बहुत सारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रे पढ़ा से सब प्लेट सब क्या भाषुं सब एस्थेनोस्फीयर ऊपर भाषुं एस्थेनोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बहुत सारा इंपोर्टेंट एस्थेनोस्फीयर रा लेंथ केते बा एस्थेनोस्फीयर रा परिमाण केते 1.5 किलोमीटर एस्थेनोस्फीयर केते के किलोमीटर पर्यंत व्यापी छै 1.5 किलोमीटर ए जो लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर हमर कहा को जाय इंक्लूडिंग विथ क्रस्ट कारण क्रस्ट क्रस्ट रे हमर सब लिविंग थिंग्स केवल लिथोस्फीयर रे ही बची रहै छै ता तळ को किछ नै क्रस्ट तळ को आ किछ हमर नै लिविंग थिंग्स किसी भी कहीं भी पहुंची पारे ना तेणु ये जो क्रस्ट को इनक्लूड करिकी जो मोस्ट अपर पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर बिल्कुल लिथोस्फीयर तल को कर एस्थेनोस्फीयर ये जो एस्थेनोस्फीयर ये जो 1.5 किलोमीटर रही आम कौन भाषुच टोटाल अर्थटा भाषुच ओके लिथोस्फीयर टोटल ता ऊपर भासो छी कारण हम अर्थ जो हम जो बची छे ये तो सब प्लेट ये हमें देखु छे माटी किंतु एक्चुअली ये सब कोन प्लेट से प्लेट सब कहां ऊपर भासो छी एस्थेनोस्फीयर ऊपर भासी लागि छी कोन हो छी एस्थेनोस्फीयर ऊपर भासी बा चक्कर रे हम पृथ्वी घुरु छी दिन रात हम जानि छी पृथ्वी घुरु छी ता ऊपर कोन हो छी जो एठे सब रहि छी मैग्मा
जहाँकि सत्ता उपरक आसमें लाभा बोली कही था या भीतर जो सब म्याग्मा रही सब सेमी लिक्विड फर्म रे अच्छी म्याग्मा को फर्म रे अच्छी सेमी लिक्विड फर्म रे सेमी लिक्विड फर्म रे अच्छी जमीक आम प्लास्टिक को जदि आम तरल देले पूरा तरल नुह कि पूरा सॉलिड फर्म नुह सेमी लिक्विड फर्म रे अच्छी जो सेमी लिक्विड फर्म रे अच्छी ये कौन जेहेतु पानी हम पानी पुणी तरंग सृष्टि हम ना सी मध्य दिन राति चली एस्थेनोस्फीयर उपर प्लेट मध्य दिन राति चली पृथ्वी मध्य आम दिन राति घूरू तेणु जब समस्त गति सामान हम तेल कौन कौन सी प्रोब्लेम ना किसी लेयर भी सृष्टि हमने समस्त आराम से चलिए कि समस्त गति जेहेतु अलग अलग तेणु से भितर विभिन्न प्रकार डिस्कंटिन्यूटी आसी था जहाद्वारा कि एनर्जी क्रिएट हुए परस्पर सहित घसी हमती से परस्पर सहित कारण समस्त गति सामान नुह घसी द्वारा एनर्जी सृष्टि हुए कौटी लोअर क्रस्ट आउ मेंटल भितर एस्थेनोस्फीयर आउ क्रस्ट उपर क्रस्ट जो भाषुच एस्थेनोस्फीयर भितर सब घर्षण सृष्टि एनर्जी क्रिएट हुए से एनर्जी किपर भाव में उपरको आसब आईदर क्रस्ट रे फाट सृष्टि करपर आस बहुत बढ़ी जाए बहुत तर तलू कौन म्याग्मा पूरा फुटुचे बहुत गरम अवस्था अच्छी कारण पृथ्वी तलू को बहुत टेम्परेचर बढ़ी 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 जा जो अपर मोस्ट पार्ट यार टेम्परेचर के 1200 डिग्री सेल्सियस एस्थेनोस्फीयर जो आवरेज टेम्परेचर देखा 100 डिग्री सेल्सियस कारण एपटे 1200 एपटे 800 जब आवरेज काढ़ 100 हम ओके तापर कौन हो जो एनर्जी सृष्टि होने जिओ थर्मल एनर्जी बोली कहे जिओ थर्मल एनर्जी बेले बेले पृथ्वी उपरक पलै आसे आम से एनर्जी को यूज कै के स्थान में बहुत सारा कंट्री यूज कर इंडिया जिओ थर्मल कौटे यूज कर हिमाचल प्रदेश जिओ थर्मल एनर्जी हिमाचल प्रदेश में जिओ थर्मल एनर्जी व्यवहार कर ओके बेले बेले कौन हुए जिते बड़े पूरा उपरको आसी पारे ना कि आसपा चेष्टा कै एनर्जी आसवा चक्कर कौन हुए रास्तार मिले वाटर लेवल क्रस्ट वाटर लेवल अच्छी वाटर पर पुणी सॉलिड अच्छी सॉलिड पर जाकि मेंटल ओके जो वाटर लेवल से फेस करे से कौन कै वाटर को बहुत गरम कै वाटर को गरम करने द्वारा वाटर बेले बेले गैस परिणत होकर उठे जहाँ कि आम एनर्जी भाव में व्यवहार करके यूज करूँ बेले बेले वाटर एत भी गरम हो पारे ना से कौन पूरा फुटवा अवस्था रही था आम जमीती बहुत सारा देखीजे पा बहुत जगह फुटु थी देखीजे बहुत जगह स्टीम हो बाहर को पलै आसे आम जिओ थर्मल एनर्जी बोली कही था देखिए मेंटल आम कत किलोमीटर पर्यटन चली 2900 किलोमीटर ताभर अपर मेंटल है 700 किलोमीटर लोअर मेंटल है 2900 किलोमीटर पर्यंत आम कौन व्यापी मेंटल व्यापी क्रस्ट हूँ टोटल पृथ्वी परसेंट 1% टोटल पृथ्वी अर्थ मास 1% है अर्थ बट मेंटल केते परसेंट 67% टोटल अर्थ मास जितकी अर्थ अच्छी सब अर्थ रु मेंटल हूँ सब अधिक 67% ओके तापर कौन हुए ये अपर पार्ट को हमें अपर पार्ट रो अपर मोस्ट पार्ट को हमें कौन कहले एस्थेनोस्फीयर कहले एस्थेनोस्फीयर ऊपर हमर सब प्लेट गुड को भासुची हम समस्त भासुची एस्थेनोस्फीयर ऊपर ओके तापर असला लोअर मेंटल ले कौन होची लोअर मेंटल ले एथिरे मध्ये डेंसिटी अधिक क्रस्ट थारु मेंटल रो डेंसिटी अधिक हो ना कम हो अधिक हो कारण पृथ्वी तल को हम जते जते जाउचे डेंसिटी बढी बढी जाउची टेंपरेचर मध्ये बढी बढी जाउची टेंपरेचर बहुत हाई एठी किंतु कौन हुए जो रेट रे बढ़े टेम्परेचर कौन
अपर क्रस्ट रू लोअर क्रस्ट को किंतु लोअर क्रस्ट रू कोर आड़क गला बेलू टेम्परेचर बढ़िबार रेटा कमी जाए तेणु ये तरह टेम्परेचर पृथ्वी टेम्परेचर के 405 डिग्री सेलसीयस किंतु पृथ्वी दूरता हूँ 6371 किलोमीटर जदि आम देखुचे 100 किलोमीटर हाइस्ट केबुल क्रस्टर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर रे जदि 100 डिग्री सेलसीयस बढ़ी जाऊँच तमें 6300 किलोमीटर रे केते बढ़िया कथा 6300 किलोमीटर रे मुख्यतः 6300 डिग्री सेलसीयस बढ़ जावा कथा किंतु बढ़ुनी केते बढ़ुचे हौ जे केते इतना कहाँ है नहीं इतना केते 4500 डिग्री सेलसीयस कम पाई एते कम ते क्रस्ट रे जो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट रे बढ़िबार रेटा बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़िबार रेटा बहुत अधिक किंतु या तळक जे तळ 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 को हमें आसे टेम्परेचर बढ़िबार रेट कमी जाए बढ़े टेम्परेचर किंतु बढ़िबार रेट कमी जाए जियोथर्मल एनर्जी हिमाचल प्रदेश मेंटल मेंटल और कोर को जो डिस्कंटिन्यूटी अलग करे से डिस्कंटिन्यूटी रा नाम हैला गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी ए डिस्कंटिन्यूटी रा नाम हैला गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी ओके देन देखिबा आमे कोर कोर को मध्य आमे दुटा पार्ट रे डिवाइड करि जे इनर कोर आउ आउटर कोर एहला आउटर कोर आउ इनर कोर ओके फर्स्ट आमे देखले कोन क्रस्ट अछि सॉलिड फॉर्म रे पुनी मेंटल अछि सेमी मोल्टन फॉर्म रे मेंटल हमरो को फॉर्म रे अछि सेमी मोल्टन जहाँ भितर की मैग्मा अच्छी मैग्मा गुड़िक जो अर्थ सरफेस उपरको आसे हेरी से लाभारे परिणत हो जाए ताको आमे लाभा बोली कहे मेंटल कोथर अच्छी सेमी लिक्विड बा सेमी मोल्टन फॉर्म रे ओके सेमी मोल्टन फॉर्म रे अच्छी लाभा बा मैग्मा कोठरे मेंटल रे माने मैग्मा रा एक्जिस्टेंस कोड है मेंटल स्तर रे मैं मेंटल लेयर रे देन असला कोर कोर होची सबुठारू डेंसेस्ट सबुठारू अधिक डेंसिटी कोठी कोर रे कारण भितर भितर ओला पर हमरा डेंसिटी बढ़ जाउची टेंपरेचर मध्ये बहुत अधिक टेंपरेचर केते 4500 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कोर रे किनो कोर को फॉर्म रे अछि कोर एते जेतु तापमात्रा कोर को फॉर्म रे रही कथा लिक्विड फॉर्म रे बट कोर कोर अच्छी सॉलिड फॉर्म रे जो अपर आउटर कोर अच्छी सॉलिड फॉर्म रे अच्छी इनर कोर आउटर कोर अच्छी सही सेमी लिक्विड प्लाज्मा स्टेज रे अच्छी लिक्विड फॉर्म रे अच्छी आउटर कोरबा प्लाज्मा स्टेज रे अच्छी प्लाज्मा माने कोन तदे हम गोटे प्लास्टिक को तरलेबा से केमिति फॉर्म को आसीबो सेही भली फॉर्म रे अच्छी टोटल भी मोल्टन नो पा जेमिति जरी को गोटे तरलेले छिंडु न थिबो जेमिति सेमिति वाला फॉर्म रे अच्छी प्लाज्मा ता को हम प्लाज्मा स्टेज बोली कहथे ओके कोर हमर को पर्यंत व्यापी रहै छी 6371 किलोमीटर पर्यंत कोर कहक गठित कोर कोर कंटेनमेंट है कंटेन है कंटेन कर फेरस सॉरी आयरन आयरन अलग नाम है फेरस आयरन प्लस निकल
ताको आमे कही थाए निफे नी हला निकेलस अर्थ पर फे हला फेरस आयरन को आमे फेरस बोली मध्ये कही थाए साइंटिफिकली आमे ताको फेरस मध्ये नेकी तार इक्वेशन करथाए तणो ए हला फेरस फेरस रो शॉर्ट फॉर्म हला एफी जहा के आयरन नो आयरन कंटेंट के अधिक करूची कोर कोर मुख्यतः आयरन आ कोन निकेल को नै गठित तण ताको आमे निफे बोली कही थाए शॉर्ट फॉर्म रे कोर इनर कोर और आउटर कोर मध्ये जो डिस्कंटिन्यूटी रहिछे से डिस्कंटिन्यूटी रो नाम हला लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी उडियो मन रखिबा कोनरोल डिस्कंटिन्यूटी मोहरोविरिक डिस्कंटिन्यूटी रैपिडली डिस्कंटिन्यूटी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी और लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी आउटर इन आउ इनर कोर भीतर जो रहिछे डिस्कंटिन्यूटी से हला ओ डिस्कंटिन्यूटी लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी ओके ए अर्थ कोर रे कोन अछि ए अर्थ ऊपर जो चुंबकीय शक्ति अछि मैग्नेटिज्म ए अर्थ जो मैग्नेटिज्म अछि सेति पे रिस्पांसिबल के बेसिकली कोर कोर रे कारण कोन अछि आयरन अछि अधिक परिमाण रे आयरन आउ निकेल ए दुटा को चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक अबे जानि छे चुंबक काहु काकु लुहा निकल कोबाल्ट को बहुत अट्रैक्ट कर दिया निज पाखु को ओके या भीतर जे तो आयरन और निकल अछि यार मैग्नेटिज्म बहुत अधिक कोर रो मैग्नेटिज्म बहुत अधिक कोर रेस्पोंसिबल कोथि पई यात्र मैग्नेटिज्म पई कोर रेस्पोंसिबल कोण अछि कोर रे कोर रा स्पेसिफिक ग्रेविटी अछि स्पेसिफिक ग्रेविटी माने हम अर्थ रो ग्रेविटी अछि हम समस्त जाने जे कोण होछि अर्थ रो ग्रेविटी यदि हम कोनो चीज को ऊपर को फोपड दोते तहले से को होछि तळ को संग संग हम पाख को पळे आसुछि साज जहा कहा द्वारा आसुछि ना ग्रेविटी द्वारा सेमिति कोर रो मध्य निजरो स्पेसिफिक ग्रेविटी अछि से सब जिनस को निज आड़ को टाणे सेथि पई बहुत आमे केबे हले भी माटी खोली की तळ को जाय परबा नहीं ओके आउ ए जो कोर हला टोटल अर्थ मास रो केते परसेंट 22% 22.5% हला ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ मास हला के कोर कोर हला 22.5% ऑफ अर्थ मास आ सबटा डेंसेस्ट लेयर हला हमरो कोर पृथ्वी को हम तीनटा लेयर रे डिवाइड करले क्रस्ट अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट ए परे हमरो डिवाइड करले किन मेन मेन डिवीजन हला क्रस्ट आउ मेंटल आउ कोर हमें बंचुचे कौ थे क्रस्ट रे जहाँ को कि क्रस्ट को लेकिन आम सरफेस को लेकिन लिथोस्फीयर कहे लिथोस्फीयर रे सब फ्लोरा एंड फना बंचिंट सब वेजिटेशन लिथोस्फीयर रे सब एनिमल्स लिथोस्फीयर रे बंचुचे ओके ये आम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ रो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट है बात जब आपन मन किसी डाउट रुए तो आप कमेंट सेक्शन में पचारि पारे मुझे डाउट क्लियर करने चेष्टा करी जदि आपण मानक आम पाठ भल लगुए आम चैनल को शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ और आम वीडियो को लाइक करूँ थैंक यू।